वेल, आज के वीकेंड के बारे में बड़ा धमाल, बड़ा मज़ा आने वाला है। वेल गाइज, लेट मी टेल यू, करण जौहर आज बुरी तरीके से क्लास लगाने वाले हैं गौतम की, और सौंदर्या गौतम को कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक देने वाले हैं। लेकिन इसके ऊपर जनता का काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन भी आ रहा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें आपको, नए प्रोमो में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि करण जौहर जो है वो कहते हैं कि सौंदर्या और गौतम, मुझे आपका रिलेशनशिप फेक लगता है, फ्रॉड है, और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गौतम आप हैं, क्योंकि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं जहाँ पे आप बोल रहे हो कि सौंदर्या इज़ अ फ्री स्पिरिट। तो गौतम कहता है, मैंने ऐसे कभी कोई शब्द इस्तेमाल किया ही नहीं है फॉर सौंदर्या। जिसके बाद जो है करण जौहर कहते हैं, मुझे काफ़ी इंसल्टेड फील होता अगर मैं सौंदर्या होता तो मैंने इसे एज एन इंसल्ट लिया होता। तो अब पता नहीं कि क्या एग्जैक्टली फ्री स्पिरिट वर्ड के ऊपर गुस्सा हुए हैं करण जौहर या फिर कुछ और शब्द है, क्योंकि ये प्रोमो के अकॉर्डिंगली है। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं। किसी का कहना है कि अरे यार अब क्या चल रहा है इनका, हद हो गई, मैंने तो इसे कभी ऐसा कहते हुए नहीं सुना, आप बहुत गलत कर रहे हो। तो कोई कह रहे हो, तो कोई कह रहा है आई थिंक कहाँ गया गायब हो गया। ओके हाँ, आई थिंक इससे अच्छा तुम महेश मांजरे को बुला लेते फॉर होस्टिंग। ओ सॉरी, तुम्हें तो पार्शियलिटी करने वाले चाहिए, तुम्हारी चाटने वाला कोई चाहिए, स्क्रिप्ट पढ़ के बैश करने वाले चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे एक कमेंट करे तो कोई कह रहा है कि मैं सौंदर्या को बिल्कुल भी पहले पसंद नहीं कर रही थी, अंकित के मॉम के रिलेटेड और प्रियंका के रिलेटेड जो बोला, बट मुझे बुरा लगता है जब भी गौतम उसके पास जाकर ऐसी सारी चीज़ें बोलता है। गौतम उसके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें बोला है, आई थिंक ये सौंदर्या के लिए अच्छा हेड्स अप है, मैं चाहती हूँ उसका गेम अच्छा हो। तो कोई कह रहा है कि अरे उसने ये कब बोला, इस बिग बॉस टीम ट्राइंग टू क्रिएट न्यूसेंस डिलिबरेटली। तो कोई कह रहा है गुड इफ इट्स ट्रू, सौंदर्या को पता होना चाहिए गौतम कैसा है। तो कोई कह रहा है आई डू नॉट रिमेंबर कि ऐसा कभी भी गौतम ने बोला होगा क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकर्स इन दोनों को अलग करना चाहते हैं इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। करण तो एक्सपोज कहाँ से ही करेगा, अभी अभी तो उसको पता चला है उसको सीजन होस्ट करना है, उसने एपिसोड पक्का देखा नहीं होगा, जो मेकर्स बोल रहे हैं वही ये पागल कुछ भी बोले जा रहा है। तो कोई कह रहा है अरे अर्चना के साथ गौतम अगर बात करता है तो सौंदर्या को उससे पहले इशू थी, बाद में ठीक हुआ, लेकिन सौंदर्या अपने मन से जिसके साथ जो चाहे बात करे, जैसे चाहे करे, वो सब होता था, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा। आई थिंक गौतम जेन्यूनली लाइक्स हर, सौंदर्या इज स्टिल स्टक ऑन शालीन। तो कोई कह रहा है दिस इज़ एब्सोल्युटली फेक एंड ये बिल्कुल भी सच नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा कभी बोला। इनफैक्ट वो बोलती है कि मैं फ्री हूँ अपने लिए कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा पति नहीं है, उसने ये खुद ने इतनी बार बोला है, तो फिर इसमें गौतम को बैश करने जैसी कौन सी बात है। सो यस, कहीं ना कहीं लोग जो है अपने ओपिनियंस को सामने रखते हुए नज़र आ रहे हैं। इफ़ एनीवन आस्क मी, आई जेन्युइनली डू नॉट रिमेंबर कि फ्री स्पिरिट बोला है क्या गौतम ने, और अगर फ्री स्पिरिट बोला है तो आई डोंट नो उसमें क्या गलत है। मतलब हाँ, इसके आगे का कोई कॉन्टेक्स्ट होगा तब शायद पता चलेगा, बट हाँ एक कॉमेंट जो मैंने अभी पढ़ के बताया वो आई रिमेंबर कि आई थिंक ये शालीन को शालीन ने उसके गाल पे किस किया था, उसका जो बवाल बना था गौतम ने, तब की बात है, उसने कहा था कि वो मेरा कोई पति नहीं है, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सारी चीज़ें बोलने के लिए, आई एम अ फ्री पर्सन, आई रिमेंबर दिस। तो क्या इसमें सच में गौतम की गलती है? एंड अगेन एक और कमेंट मुझे सही लग रहा है कि अभी अभी आई थिंक सलमान खान की तबीयत ठीक नहीं है जब पता चला, तब करण जौहर होस्ट करने आने वाले थे, उसके पहले तो क्या सच में उन्होंने एपिसोड्स देखे होंगे या फिर छोटे छोटे क्लिप्स देखकर या फिर किसी यू नो टीम में से किसी लोगों ने उसे अपडेट दिया होगा और उसके ऊपर करण जौहर ये सारी चीज़ें बोल रहा है। अब ये बड़ा क्वेश्चन आ तो रहा है दिमाग में, आपकी राय इसके ऊपर बताइएगा कॉमेंट्स में।